कटनी जिले के नर्मदा टनल निर्माण में हुए लेट लतीफी पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि नर्मदा जल लाने प्रदेश सरकार ने टनल के माध्यम से टनल निर्माण कार्य शुरू कराया था और जिसकी समय सीमा करीब 40 महीने की थी, लेकिन टेंडर की शर्तों में निर्माण में लगातार हिलावाली। अब मैहर, सतना और रीवा जिले को नर्मदा जल की सप्लाई में हो रही देरी पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है, जिसके चलते हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। दरअसल अधिवक्ता वरुण तनखा ने युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका में पैरवी की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक कटनी समेत 3 जिलों को मां नर्मदा का जल सिंचाई और पेयजल हेतु मिला था, जिसका कार्य 2008 में शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट 40 महीने में पूरा होना था, लेकिन लेट लतीफी के चलते 15 साल में भी पूरा नहीं हो पाया। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज एमपी हाईकोर्ट जबलपुर बेंच में एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन हमने फाइल करी थी, आज उसकी सुनवाई थी। ये पीआईएल जो थी वो दिव्यांशु मिश्रा जी के बिहाफ पे फाइल हुई थी। इस पीआईएल में जो मेन मुद्दा था वो ये था कि जो नर्मदा विकास प्राधिकरण है उसने 2008 में सलीमाबाद एरिया में एक कनाल को बनाने का टेंडर निकाला था। वो टेंडर 2008 में निकाला गया था और उस टेंडर की कंडीशन ये थी कि वो 40 माह के अंदर अंदर उसको आप कंप्लीट करेंगे। वो जो टेंडर की जो वैल्यू थी वो थी करीबन 800 करोड़। आज की डेट में हमने कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा कि ये सवाल असेंबली में भी उठाया गया और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनने उसमें जवाब दिए, तो जो जवाब दिए हैं उन जवाबों को लेकर कुछ हमें हमारे चिंतन का विषय था, इसलिए हम उस चीज़ को हमने कोर्ट के सामने रखा है। वो जवाब में उन्होंने ये कहा है कि 40 माह की अवधि थी इसको कंप्लीट करने की, लेकिन अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, 13 साल डिले चल रहा है इस प्रोजेक्ट में, अभी 13 साल होने कंप्लीशन के बाद भी ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। ये एडमिटेड फैक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है असेंबली में कि जो 800 करोड़ का जो टेंडर था उसमें आज की डेट में 1450 करोड़ की पेमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को दी जा चुकी है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजना 2008 में टेंडरिंग हुई थी, पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को उसका टेंडर मिला था। 2011 में यह कार्य पूरा होना था 799 करोड़ की लागत से। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 2024 में हम चल रहे हैं, लगभग 13 साल पूरे हो चुके हैं और 1450 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है सरकार ने, जिसका जवाब माननीय मोहन यादव जी ने विधानसभा के प्रश्न के माध्यम से दिया है और हमारे पास इसके कागज भी उपलब्ध हैं। और आज तक कटनी को एक बूंद मां नर्मदा जी का जल नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज हमने माननीय विवेक तनखा जी के मार्गदर्शन में, वरुण तनखा जी के माध्यम से जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करी है। माननीय हाईकोर्ट का हम आभार ज्ञापित करते हैं कि आज उन्होंने शासन से, सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग करी है और अगले माह की 18 तारीख को पैरवी निर्धारित हुई है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज भी इस देश में न्याय जिंदा है और न्यायपालिका के माध्यम से हम जनता को उसका हक दिलाने के लिए तत्पर हैं और मेरा ऐसा विश्वास है कि न्यायपालिका के माध्यम से कटनी को पेयजल संकट भी दूर होगा, किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।